पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ों के बीच ही ये सब गांव घिरा हुआ है। दीदी थोड़ा सा, दीदी थोड़ा सा रुको ना, क्या बोलते हो पैर का नीचे का? नहीं नहीं नहीं, अरे जो पैर में पहने इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये गोदना दिखाई दे रहा है, देखो कितना मस्त। ये क्या है? ये वाला चूड़ी है, ऐठी जो कमर पहने है वो करधन बोलते हैं हमारे गांव। ये गांव ना यहाँ का लास्ट घर है। तो देखिए गांव इतना आगे बढ़ गया है कि देखो बैलगाड़ी में ना चना का मिसाई कर रहे हैं। वाह, सभी को मेरा छत्तीसगढ़ है जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विलेज लाइव और मैं भाई राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज के नए ब्लॉग्स में। दोस्तों मैं हूं अभी कवर्धा जिले का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव में, और यहां हम लोग जहां रुके हुए हैं वहां से बहुत ही मधुर आवाज़ आया था बाँसुरी का, जो भैया का था। और भैया क्या है कि अभी जो गाय है बैल है उसको चरा रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो बाँसुरी की आवाज़ से ये अपने पूरा बैल को चराते हैं। का तरीका है वो आप लोग देखो, ये भैया जो है इशारा में इनको सीटी मार के या बांसुरी बजा के इस तरह से लहरा के इनको लेते हैं। थोड़ा सा पहले तो ये बांसुरी दिखाते हैं, भैया का ये बांसुरी है, ये देखो दादा। ये कब से बजा रहे हो आप? 15 साल हो गए आपको ऐसे ही? और ये गाय बैल कब से चला रहे हो इस तरह से? 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हुए हैं। तो एक बार भैया कहा तो जोर से भैया। अच्छा ये वापस बुलाए के, ये 3-4 चीज अपन ऐसे कुछ करत रहो ना, बताओ ना एक बार ना। उसे चिल्लाओ ना एक बार, यहाँ सीधा रिंग थे। अच्छा अच्छा, ये सब कोड है, मतलब गाय मन के साथ आप मन के बोलिए इतना, मैंने आप मन के जो अनुभव है 10-12 साल के उमा ये इस प्रकार से कोड निकाले हैं आप मन, तो गाय मन सब समझ जाते। हैया हो गए एक, तो चक 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 वाला हो गया, और कुछ होकर अलावा ये दो ही काम चल जाते। अब सिटी बजाता वो तो 75 साल की दाई को नूनी जो है साइकिल में बैठा के ले जा रही है। देखो ना कितना मस्त एकदम, क्या लेते सोनी? अच्छा दोस्तों यहाँ का घर सब है ये पूरा, इधर देखो कितना मस्त सा, और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ों के बीच ही ये सब गांव घिरा हुआ है। और यहाँ ना चना सब लगाए हुए लग रहा है। तो दादा यहाँ चना सब खूब लगे हैं? चना खेती ज़्यादा करता का? अच्छा धान और चना की खेती मेन है। नहीं मैं जब यहाँ आए ना तो सबकर खेत में लगभग चना देखे, तो मैं सोचा कि हमारे साइड उतना है नहीं चना। हाँ हाँ, हम गेहूँ लगाते उनका। हाँ हाँ, तो चना सबसे ज़्यादा है। नहीं तुम्हें कहाँ जाता? अच्छा चना लोरे। अच्छा तो दही अभी कोठार जा रहे हैं चना लोरने के लिए। अरे दही पूरा गोदना सब गोदाए है हाथ में, ये सब का है? ये गोदना दिखाई दे रहा है, देखो कितना मस्त। ये का है? ये वाला चूड़ी है। अच्छा चूड़ी है, और ये वाला ऐठी, और जो कमर पहने है वो करधन बोलते हैं हमारे गांव में। अच्छा करधन। अच्छा अच्छा, ये सब पूरा खिंचात हम बोला था कंपूरा, ये तुम्हारा पूरा चीज है ना। इधर पैर में भी दोस्तों ये गुदना गुदवाए हुए हैं। दाई तुम्हारा कौन सा समाज से है? आदिवासी। आदिवासी में का? गोंड ठाकुर। अच्छा गोंड ठाकुर है। अच्छा तो दोस्तों ये लोग पूरा गोंड राजा हैं, और ये तुम्हारा घर यही है? अच्छा तो हम लोग आगे बढ़े हैं तो ये कुछ घर सब दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोस्तों यहाँ ये देखो कितना मस्त घेरा किया हुआ है, इसमें ज़्यादा लकड़ी का यूज़ किया गया नहीं है, ऐसे ही सिंपल सा घेरा है, और कितना प्यारा सा लग रहा है। देखो यहाँ दोस्तों देखो आप लोग, ये अभी
जो दादा हैं वो रास्ता मिले थे, बैल सब अभी बांधे हुए हैं जस्ट ये, और बांध के रखे हुए हैं। ना दादा यहाँ चना सब खूबे है ना एकदम पूरा, गेहूँ सब पूरा हो गए? अच्छा तो गेहूँ पूरा कट गया है, चना है इस तरह से, और इनका गाय सब बांधे हुए हैं। ये देखो बहुत दिन के बाद मेरे को ये गाड़ा दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? गाड़ी है ना, हम लोग गाड़ा बोलते हैं, इसलिए गाड़ी गाड़ा एक ही होता है और इसका यूज इन लोग करते हैं। ये देखो अब बच्चे सब कुछ खेल रहे हैं ये अपना। अरे पापा ये क्या खेल रहे होगा? ये कुछ नया खेल है देखो, और बाप रे कुछ यू नहीं खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो बाबू लोग? डंडा झूला। अच्छा डंडा झूलाऊ? अच्छा ये कैसे होता है? कैसे फेंकते हैं सब लोग पहले। अरे वाह तब इसको दौड़ा रहे हो? अरे बाप रे इस तरह से देखिए बच्चों का खेल है, वाह। कहाँ गया भाई? कुछ नहीं भाई। अच्छा चल रहा है, मैं सोचा ऐसे ही कैसे उठा। अरे वाह कितना मस्त, देखो भैया अभी जो है ना उसको उठा के ले रहे हैं। और यहाँ देखो घर सब में सबके यहाँ भाई एकदम पूरा भयानक भयानक चना है यार। मतलब मैं इस तरह से चना खेती ना पहली बार देख रहा हूँ। पता शाम होता है देखो पूरे बच्चे लोग है ना इतना मस्त खेल रहे हैं रोड में अपने घर के किनारे। इधर भी देखो मैं, क्या नाम है बाबा? शर्मा रहे हैं सब। देखो धूल मिट्टी से सब खेल रहे हैं, यही तो है बचपना। मतलब जिसका बचपना धूल मिट्टी में बीता है वही असली एक गाँव का है। देखो सब सने हुए हैं। रुको दीदी थोड़ा सा, दीदी थोड़ा सा रुको ना। नहीं नहीं जो आप पहने हो ना ये पैर का ये क्या बोलते हो? पैर का नीचे का? नहीं 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 अरे जो पैर में पहने इसको क्या बोलते हैं? क्या है? लस्सा। अच्छा लस्सा। अच्छा ये जो पहने हुए हैं पैर में एक क्या नाम बताया था दीदी? लस्सा। लस्सा लस्सा लस्सा। अच्छा गुदना सब सब गुदवाया है पूरा दिखाओ। सब ये पूरा ये सब क्या क्या बने हैं? गुदना सब गुदना ही है। अच्छा तो अभी ये कहाँ लेके जाते हैं इसके? हाँ अच्छा माटी से पर ये अच्छा ये घर बनाता है ना। अच्छा अच्छा मास्टरीन है। अच्छा ठीक है देखिए ठीक है ठीक है। अच्छा ना आप अभी अंबिकापुर को अमेरिकापुर बोल रहे थे कि क्या? अमेरिकापुर बोले थे अमेरिकापुर। अच्छा ये हर जगह यही बोलते हैं क्या? मतलब बहुत जन राई लोग से मुंह से यही सुना हूँ अमेरिकापुर बोलते हैं, अंबिकापुर नहीं बोलते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। यहाँ दोस्तों देखो इस तरह से घर का छपाई सब हो रहा है, जो पूरा मेंटेन कार्य हो रहा है। देखो यहाँ पर चारा दे रहे हैं, ये देखो भैया देखो नाद में दिए हैं पूरा चारा सब मस्त। कितने मस्त अभी उसको खा रहे हैं, कितने बड़े बड़े बैल हैं। और ये सब पूरे घर देखो यहाँ के कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। यहाँ का घर देखो और मिट्टी से जो सुगंध आ रहा है भाई वो तो मतलब आहा कितना मस्त लग रहा है। हाँ दोस्तों देखो आप लोग इस तरह से बैल सबको अभी बांध के ना चारा खिला रहे हैं। इधर से बैल दौड़ते हुए आ रहा है, सब चारा चारा दिया गया है देखो जगह दोस्तों। इसी तरह से देखो अभी शाम का समय है तो बैल सबको बांध बांध के ना साइड में रखे हैं। ये घर सबको देखिए, ये यहाँ का दरवाज़ा है कितना मस्त प्यारा सा लग रहा है। और ठीक हम लोग अभी आगे चलते हैं तो यहाँ बाड़ी सब दिखाई दे रहा है यार, एकदम यूनिक है। सब अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, ऐसा देखो पूरा सब्जी सब लगा हुआ है। यहाँ देखो रोड भी कितना अच्छा मस्त है, पूरा गाँव वाला फील आ रहा है एकदम हमारे गाँव टाइप से। यहाँ भी सब्जी लगा हुआ है सेम सबका है। ये घर देखो कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। ये जो मेन है ना ये पूरा दीवार मिट्टी से बना हुआ है और यहाँ ना ईटा से उठाया गया है, इसको पर्ची बोला जाता है सामने का। और चलो अभी चलते हैं आगे। दोस्तों ये बहुत दिन के बाद ना बैलगाड़ी मेरे को देखने को मिल रहा है तो बस मैं आप लोगों को भी साझा कर रहा हूँ। दादा ये तुम्हारे कहाँ गए थे? लाटा। ओ कुछ करने गया? मशीन है। अच्छा
चना पिसाई होता है, मतलब मिसाई होता है। दोस्तों देखो पूरा आधुनिक ज़माना इतना आ गया है कि अब बैलगाड़ी से ही चना का मिसाई करते हैं। ये देखो ठीक हैगा, इस तरह से देखिए गांव इतना आगे बढ़ गया है कि देखो बैलगाड़ी में ना चना का मिसाई कर रहे हैं। वाह ये ज़माना है भाई। दीदी लोग काम करके आ रहे हैं वापस। दीदी कहाँ गए थे आप लोग? गेहूँ लुए। तो टिफिन में क्या कर रखा था? अच्छा खाना मन लगे रहा। अच्छा दोस्तों ये लास्ट घर है यहाँ का, और जस्ट इसके बाद यहाँ नदी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ नदी किनारे ही घर है, और ये पूरा घेरावा किया गया है देखो कुछ लकड़ी वगैरह से, और लकड़ी के ऊपर ही ना इस तरह से मिट्टी को छाप दिया गया है, तो ये पूरा दीवार बन गया है मस्त। तो इस तरह से इनका घर है मनोहर भैया का। ये देखो ये पूरा ये मुर्गा, देखो मुर्गा भी पाल के रखे हैं। सही, आज का वीडियो यहाँ शुरू किए थे और यहीं पे आज खत्म हो रहा है क्या। दोस्तों आज आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देगा। मिलते जल्दी ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। और ठीक है मनोहर भैया, फिर बाय बाय।